Hello everyone, welcome back to our channel Creative Vibes. Here we are again with a new video of testing out some art techniques from 5-Minute Crafts. This is not a sponsored video. Please watch the video till the very end. Please subscribe our channel and support us to reach a family of 1K subscribers and like the video and share it with your friends and family. They applied some water and left some watercolor on that water to float. I'm also going to add some water on this. I have already drawn some veins, so it does not become difficult for me. You do not have to let the water dry. So here I have applied water. हर जगह मैंने इसको पानी से कवर कर दिया है वेंस को. नाउ आई एम गोइंग टू टेक रेड वाटर कलर. हियर इज माय वाटर कलर. This was my first try of this hack, so it is possible that it may be difficult for me, but when you will practice this hack, it is a nice hack. I loved it, so it's a thumbs up. उन्होंने एक बहुत लंबी वूल या थ्रेड ली है. मेरे पास इस टाइम थ्रेड ही अवेलेबल थी, बट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड. आई विल यूज़ दैट. उन्होंने उसे एक पेंट में डिप करा और उसके बाद उसे एक रोलर टाइप के किचन रोल के जो ये वेस्ट हो जाते हैं उसके ऊपर उन्होंने उसे रोल करके उसको एक ऐसे करके पूरे शीट पे इम्प्रेशन दिया एंड इट गेव अ वेरी नाइस इम्प्रेशन. सो वी आर गोना टेस्ट आउट दैट नाउ. सो हेयर I have pink color. Now I will dip this thread in this. Now here is a thread which I have fully covered in the paint nicely like this. And now we'll cover the roller with this. Now we'll start giving impression. मेरा ना थ्रेड थोड़ा सा खुल गया, but it's okay. But it gave the exact impression they have shown in their video. आप थ्रेड को और अच्छे से सील कर देना. मैंने थोड़ी सी इसको लूज सील किया था, दैट इज़ वाई थोड़ा सा खुल गया, बट उसका कोई फ़र्क पड़ा नहीं और इसने बहुत ही सुंदर इम्प्रेशन दिया. इस शीट को आप कार्ड्स एंड ऑल में यूज़ कर सकते हैं फॉर गिफ्टिंग समवन एज अ रैपिंग शीट ऑल्सो. उसके ऊपर उन्होंने ना एक स्क्रबर की हेल्प से, स्क्रबर नेट की हेल्प से उन्होंने बहुत प्यारा ट्री का इम्प्रेशन दिया है. उन्होंने पर्पल कलर यूज़ किया है, बट आई वॉज नॉट हैविंग दैट, सो आई विल यूज़ सम रेड कलर इंस्टेड. सो हेयर इज़ माई ट्यूब कलर बाय विच आई विल डू दिस हैक.
I will dip the sponge in this and give the impression. Like this you have to give the impression. It is a okay hack. इससे अच्छा वैसे ना इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इससे अच्छा इम्प्रेशन आपका जो टूथब्रश होता है उससे आता है। इस क्रंची की एक प्रॉब्लम है, इसमें उसने ना सारा कलर सोक कर लिया, जो कि जिसकी वजह से ये बहुत वेट इम्प्रेशन दे रहा है और इससे हमारे ट्री में इतनी इफेक्टिवनेस भी नहीं आ रही। सो इट्स अ 50-50 हैक। बट एक तरह से अगर देखा जाए तो अगर हम इसको ब्राउन कलर कर दें और उसके बाद इस पर थोड़ा सा डार्क कलर भी ऐड कर दें तो इट्स अ वेरी गुड हैक। पहले जब ये गीला था तब इतना अच्छा इम्प्रेशन इसका नहीं आया जितना इसका सूखने के बाद आया। सो इट्स अ वेरी नाइस हैक, इट्स अ थम्स अप। लास्ट हैक जिसके लिए आई वाज सो एक्साइटेड, इसमें इन्होंने ट्यूब कलर्स की ड्रॉप्स ऐड करी हैं और उसे विद द हेल्प ऑफ अ पेंट ब्रश दैट इज़ यूज्ड इन पेंटिंग हाउसेज और वॉल्स, उन्होंने उसको स्प्रेड किया है और उससे बहुत प्यारा इम्प्रेशन आया है। हम इसके नीचे कोई भी वेस्ट शीट बिछा लेंगे क्योंकि इससे आपकी पूरी टेबल स्पॉइल भी हो सकती है। मम्मी की डांट नहीं खानी तो कुछ बिछा लेना। सो मैंने रेड कलर के डॉलप्स ऐड कर दिए हैं, अब मैं येलो कलर के डॉलप्स भी ऐड करूँगी। नाउ आई विल ऐड डॉलप्स ऑफ ब्लू कलर। Now the most exciting part, अब हम इसे spread करेंगे। So we have to keep rotating the sheet in circular motion. सो इट इज़ रेडी। उन्होंने दिखाया तो बहुत प्रिटी था और उन्हीं की तरह मैंने ट्यूब कलर्स भी यूज़ करे, पर ये उतना अच्छा इम्प्रेशन आता नहीं है। वो लोग दिखाते कुछ हैं, या तो मेरी शीट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी कैनवस शीट थी वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी। बट यू कैन ट्राई दिस हैक, आई विल लीव दिस हैक अप टू यू, यू हैव टू ट्राई दिस एट होम एंड टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन इफ दिस हैक वर्क्स और नॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।